जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कोई परेशानी या कोई तकलीफ से अभी गुजर रहे हैं वर्तमान में, तो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लें, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क और फीस लागू है दोस्तों। तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आपको पता होना अनिवार्य है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लोग आपसे इतना जलते क्यों हैं, कारण क्या है। तो बहुत सारे जातक मुझे कमेंट्स करते हैं जब कुंडली विश्लेषण होता है, तो वो कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी, हमसे लोग क्यों इतने जलते हैं, हम तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमने तो लोगों का हमेशा अच्छा किया है, और इवन कई बार तो लोगों ने हमसे मदद मांगी भी नहीं है और हमने उनकी मदद की है, तो उसके बाद भी लोग हमारी अच्छाई का पहले तो दुरुपयोग करते हैं, लोग हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और कई बार तो हम चीज़ें उनके पक्ष में करते हैं पर वो उसे गलत वे में लेते हैं। ऐसा क्यों आखिरकार हमारे साथ होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, कौन कौन से ग्रह जो है इसके पीछे हमारा इम्पेक्ट करते हैं, और इसके पीछे कुछ जो विज्ञान है, हम उन सभी पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मिनट के वीडियो में आपके शायद कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखें जय शिव शंभू, हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में जिस भी विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर लिख दें। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चले रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, तो हम आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। जब भी हमें लोग जो जलने का एक सब्जेक्ट आता है, यह राहु से इम्पैक्ट होता है। अब राहु से इम्पैक्ट होने, या तो आपको राहु की महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी, या राहु आपके किसी गलत वे में बैठा होगा, गलत त्रिकोण में या गलत जगह पर बैठा होगा, उस वजह से सबसे ज़्यादा ये तकलीफें होती, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं, जो हम देखते हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं वो सही नहीं समझ पाते हैं, और उस वजह से हमें धोखा हो जाता है। मतलब भावनात्मक वे से जो चीज़ें हम सोचते हैं, भावनात्मक वे में डिसीजन जो ले लेते हैं, वो हमें पलटकर हमारे लिए ही बहुत दुखदायी और तकलीफपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, कई बार हमने किसी की मदद की, हमने तो पूरी ईमानदारी के साथ मदद की, पर जो मदद पाने वाला आदमी, क्या वो पात्र था? उसने तो अपनी भावनात्मक रूप से, संवेदना रूप से अपनी जो भी परेशानी थी उसका रोना आपके सामने रोया, लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया कि ये परेशानी की वजह क्या है? अगर उसकी परेशानी की वजह आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो कई बार हमें समझ आ जाती है कि इनका स्वभाव कैसा है, इनने पहले कैसे क्या की चीज़ें की है, तो उससे कई सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती, पर हम उस वर्तमान को ही सब साक्षात मानते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों की आप मदद ना करें, लोगों की ज़रूर मदद करें, लेकिन दोस्तों, आप जैसे सरल और भोले जो लोग हैं, वो इस मदद के चक्कर में कई बार उनके साथ तकलीफें बढ़ जाती हैं। आप भोलेनाथ का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और जिन पर भोलेनाथ की कृपा होती है उनका ऐसा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे भोले और सीधे लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, पर हमें अवेयर इन चीज़ों से रहना चाहिए दोस्तों। बस यही निवेदन कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।